कंसोल, जो बंदे प्ले स्टेशन लेना चाहते हैं, जो कम रेंज के कंसोल लेना चाहते हैं और कम रेंज में गेमिंग करना चाहते हैं बच्चे, और ये आपको मिल जाएगा दो कंट्रोल के साथ 4,000 रुपये का, 320 GB हार्ड डिस्क होगी, 110 गेम लोड करके दूंगा इसमें। और ये आपका 360 जो सबसे कम रेंज में, जिस भाई के पास ओनली कंसोल है, 2500 रुपये में दूंगा आपको। PS3 ढूंढते हैं कि स्लिम चाहिए या सुपर स्लिम चाहिए, फैट मिलेगा आपको 7,000 का, 500 GB गेम डाल के, 30 गेम डाल के दूंगा 500 GB, 1 मंथ वारंटी। अब PlayStation 4, ये आपको जेल ब्रेक में चाहिए तो 19,500 का 1 TB हार्ड डिस्क के साथ, अगर विदाउट विदाउट जेल ब्रेक चाहिए तो जेल ब्रेक पड़ेगा 500 GB, 14,000 का, एक रिमोट, सारी ऐसे। तो स्वागत है सबका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आए अपने राम भाई के पास। राम भाई आपके क्या हाल है सबसे पहले? हेलो भैया। तो भैया आज की वीडियो में हमारा क्या टॉपिक होने वाला है? हमारा टॉपिक ये है कि हमारे पास सारे 8 PlayStation 2, 3, 4, 5 सारे कंसोल अवेलेबल है, अच्छे रेट में, बेस्ट प्राइस, मतलब बेस्ट प्राइस में आपके पास ओल्ड प्ले स्टेशन मिलने हाँ, वाले हैं, एकदम बढ़िया कंडीशन में मिलेंगे, और विद गेम लोडेड भी होंगे, उसमें विदाउट गेम लोडेड भी होंगे। मैं आपको बारी बारी से सारे के रेट बता देता हूँ, जो कि जेल ब्रेक भी रहने वाले हैं। जेल ब्रेक रहेंगे। तो करते हैं फिर आज की वीडियो अपनी स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्ले स्टेशन 2 से। भैया मेरे पास अगर ये वाला कंसोल, जो बंदे प्ले स्टेशन लेना चाहते हैं, जो कम रेंज के कंसोल लेना चाहते हैं और कम रेंज में गेमिंग करना चाहते हैं बच्चे, जैसे मान लीजिए 5 से 6 साल, 8 साल का बच्चा है, तो उसके लिए प्ले स्टेशन बेस्ट है। ये स्टार्टिंग लेवल होने वाला ये है अपना। स्टार्टिंग लेवल बहुत अच्छा है, और ये आपको मिल जाएगा दो कंट्रोल के साथ 4,000 रुपये का, 320 GB हार्ड डिस्क होगी, 110 गेम लोड करके दूंगा इसमें। मतलब गेम अपनी मनपसंद रहने वाली है आपके, वैसे तो मैं 110 गेम डालता हूँ, उसमें सारे गेम मिल ही जाते हैं ज़्यादातर, बाकी एक दो गेम चेंज कराना है तो हो जाता है, ठीक है ठीक और है, बाकी बाद में भी मिल जाता है। ये सबसे कम रेंज का प्ले स्टेशन है और बेस्ट चलता है, 1 मंथ की वारंटी होगी मेरी इसमें। और इसके बाद अगर आप, कुछ भाई कहते हैं रसीला चाहिए रसीला चाहिए, तो ये मिल जाएगा आपको रसीला वाला। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि ये थोड़ा फास्ट होता है उससे, जो प्ले स्टेशन हाँ आपने पहले दिखाया था, पहले दिखाया है, वो भी सही होता है, वो घरेलू मतलब का है, ये किसी दुकान में जैसे कहीं देखे होंगे जो बच्चों को खिलाने वाले पार्लर होते हैं, उनके लिए बेस्ट है ये, क्योंकि वहाँ पर घंटे के हिसाब से बच्चे खेलते हैं ना, तो जल्दी स्टार्ट होगी तो बच्चा जल्दी आएगा, स्लो चलेगी तो बच्चे भाग जाएंगे ना, मतलब गेम जोन के लिए अपने। हाँ गेम जोन के लिए। तो ये है आपका, ये आपको पड़ेगा 5,000 रुपये का, 160 GB हार्ड डिस्क होगी, एक रिमोट होगा इसमें, ठीक है ठीक है ना। और ये आपका 360 जो सबसे कम रेंज में, जिस भाई के पास ओनली कंसोल है, 2500 रुपये में दूंगा आपको ओनली कंसोल। तो इसके साथ एसेसरीज क्या मिलेगी अपनी? एसेसरीज नहीं होगी, एसेसरीज अगर फुल एसेसरीज के चाहिए साथ चाहिए तो ये 4500 रुपये में। तो इसके साथ रिमोट मिलेगा? एक रिमोट दूंगा, एक अडप्टर दूंगा, HDMI केबल, पावर केबल, पूरा कंप्लीट दूंगा आपको 4,500 रुपये में ओनली, सबसे बेस्ट प्राइस, पूरे मार्केट खोज लेना, कहीं नहीं मिलेगा ये रेट आपको। और इसी में अगर आपको जेल ब्रेक में चाहिए तो जेल ब्रेक में आपको ये मिल जाएगा 8,000 रुपये में ओनली, 500 GB हार्ड ड्राइव, 60 से 65 गेम डाल के, ये अपना जेल ब्रेक रहने वाला है। जेल ब्रेक रहने वाला है 360 ऐसा ही है, ये जेल ब्रेक रहेगा 8,000 रुपये ओनली, और 1 मंथ वारंटी रहेगी इसके साथ भी। और इसी में एक ई मॉडल आ जाता है आपको, लेटेस्ट मॉडल जो मैंने अभी दिखाया है, अगर जो आपको ये जेल ब्रेक में मिलेगा, ये जेल ब्रेक में आपको पड़ेगा 9,000 रुपये का, ये अपना ई मॉडल रहने वाला है, लेटेस्ट मॉडल है जेल ब्रेक में, जो मैंने अभी जो 4,500 का बताया वो नॉन जेल ब्रेक बताया, ये जेल ब्रेक में पड़ेगा 500 GB हार्ड ड्राइव, वही 65 गेम डाल के, 9,000 रुपये का, 1 मंथ वारंटी इसकी भी। और इसके बाद हम आ जाते हैं PS3, जिस भाई के लिए PS3 चाहिए होते हैं, PS3 ढूंढते हैं कि स्लिम चाहिए या सुपर स्लिम चाहिए, मेरे पास मतलब तीनों वेरिएंट अवेलेबल मिलेंगे आपके तीनों, पास। फैट से लेके, फैट दिखा देता हूँ आपको, फर्स्ट में ऑर्डर, ये फैट मिलेगा आपको 7,000 का, 500 GB गेम डाल के, 30 गेम डाल के दूंगा 500 GB, 1 मंथ वारंटी। और इसके साथ भी एक रिमोट मिलेगा, एक रिमोट सबके साथ, एक रिमोट बता रहा हूँ, और ये PS3 स्लिम है, एक रिमोट के साथ आपको ये पड़ेगा 10,000 रुपये का ओनली। और इसी में अगर आपको भाई, जिस भाई को सुपर स्लिम, कुछ भाई कहते हैं लेटेस्ट मॉडल चाहिए, सुपर स्लिम चाहिए, सुपर स्लिम चाहिए, तो ये सुपर स्लिम मिलेगा आपको, ये 10.5 का मिलेगा सिंगल कंट्रोलर के साथ, सुपर स्लिम भी अवेलेबल होगा आपके पास, सारे मॉडल अवेलेबल है, हर टाइम स्टॉक रहेगा, टेंशन ना लेना। और इसके बाद हम आ जाते हैं 101 पे, और ये 101 है हमारे पास, 101 मिल जाएगा आपको, विदाउट गेम लोडेड चाहिए 9,500 का, 500 GB मिलेगा, 1 TB 10.5 का मिलेगा, लोडेड चाहिए तो आपको 12,500 का मिलेगा, 1 TB 20 गेम डाल के, आपके चॉइस के सारे गेम डलवा दूंगा। और ये इसके बाद 1S आ जाता है, ये 1S आपको 1 TB मिलेगा, 15,000 का गेम डाल के,
और फिर आ जाते हैं हम आप भैया PlayStation 4। PlayStation 4 में आपको दिखा दूं, फैट मॉडल मिलेगा आपको जो कि बहुत डिमांड में रहता है। हाँ, सबसे ज्यादा डिमांड रहती है इसके PlayStation 4 के, अपना फैट मॉडल। हाँ, फैट मॉडल है ये। आपको जेल ब्रेक में चाहिए तो 19,500 का 1 TB हार्ड डिस्क के साथ। अगर विदाउट जो जेल ब्रेक चाहिए तो विदाउट जेल ब्रेक पड़ेगा 500 GB 14,000 का, एक रिमोट सारी एसेसरी के साथ। जो मैं रेट बता रहा हूँ एक रिमोट के साथ फुल एसेसरी बता रहा हूँ, 19,500 जेल ब्रेक में चाहिए, 1 TB 9.0 जिसे बोलते हैं। और इसके बाद स्लिम आ जाता है हमारे पास, स्लिम मिल जाएगा आपको। स्लिम अगर आपको सीडी वर्जन चाहिए, सीडी वर्जन 500 GB 16 का पड़ेगा, 1 TB 17 का पड़ेगा। इसी में अगर जेल ब्रेक में चाहिए 9.0 तो आपको 23,000 का पड़ेगा, 1 TB फुल गेम लोडेड, आपके चॉइस के सारे गेम। अगर इसका अलग से कंट्रोलर चाहिए तो उसके क्या प्राइस रेंज होगी? इसके कंट्रोल में कंट्रोल की बात मैं सबके बता दूंगा लास्ट में। और ये अगर PS4 प्रो है, सीडी वर्जन लेंगे तो 22,000 का पड़ेगा, 1 TB हार्ड डिस्क के साथ, 1 मंथ की वारंटी, सिंगल कंट्रोलर, सारी एसेसरीज। इसी में अगर आपको आईडी वर्जन, एक आईडी वर्जन चल रहा है, गेम डाल के 15 गेम इंस्टॉल करके देंगे 24,500 का, 1 मंथ वारंटी रहेगी। और कंट्रोलर की बात करिए आपने, तो मैं कंट्रोलर की बता दूँ, मेरे पास PlayStation 3, 4, 5 सबके कंट्रोलर मिल जाते हैं, 101 के 360 ओरिजिनल, जो 100% ओरिजिनल होता है, यूज होता है। लेकिन एक्सपो मैं आपको PS3 का कंट्रोलर दे दूंगा 500 रुपये में ओरिजिनल, और इसी में 360 का कंट्रोलर देंगे हम आपको 800 रुपये का ओरिजिनल, और PS4 का कंट्रोलर लेंगे तो आपको 1500 रुपये का ओरिजिनल कंट्रोलर देंगे। PS5 का लेंगे 3,000 रुपये का है सेकेंड हैंड, नया लेंगे तो 5,000 का है। ये है रेट। और बाकी भैया मैं एक बात बता दूं, हमारे पास सारी गेमिंग लोडिंग होती है, जैसे PS3 की लोडिंग करा लो, Xbox 360 की लोडिंग करा लो, और PS4 में गेम लोड करा लो, सारे गेम डालते हैं हम। किसी भाई को भी डलवानी हो तो वो सब अवेलेबल है, और किसी को कंट्रोलर भी खरीदना हो, रिपेयरिंग से रिलेटेड भी कोई हो समस्या तो मेरे से पूछ सकते हैं आप फोन करके। मतलब रिपेयर वगैरह भी आप करते हो? आपके कंसोल में कोई दिक्कत आ रही है बाई चांस, आपने बल्कि मेरे यहाँ से नहीं खरीदा हो, तब भी आप मेरे से पूछ सकते हो कि ये दिक्कत आ रही है भैया, इसका सोल्यूशन बताओ, तो भैया सोल्यूशन आपको दे देंगे, बताऊंगा। मेरा नंबर भैया डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, और स्क्रीन पे भी मैं आपका भैया का नंबर दे दूंगा, कॉन्टेक्ट करके भैया को पूछ सकते हो कोई भी चीज हो, कोई भी XYZ आपका रिमोट में प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे से पूछ सकते हो, कितने में ठीक हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। और हमारे पास ये PSP भी अवेलेबल मिलता है, ये आपको 2500 रुपये में मिलेगा 8 GB कार्ड के साथ, गेम लोड होगी उसके अंदर, 10 गेम डाल के दूंगा मैं, 8 से 10 गेम आ जाते हैं। इसी में अगर आपको 32 GB चाहिए तो 3,000 रुपये का मिलेगा, 50 गेम डाल के दूंगा उसके अंदर। तो आपके पास ये सारे PSP अवेलेबल मिलेंगे? अवेलेबल मिलेंगे, कलर में मिल जाते हैं, व्हाइट कलर मिल जाएगा, ब्लैक तो आता ही है ज़्यादातर। और इसी में एक PS Vita आता है जो ज़्यादा डिमांड में रहता है, PS Vita। हाँ, ये बीटा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बहुत डिफरेंस है, ये टच स्क्रीन है। अच्छा, टच का फर्क है, मतलब टच का फर्क है। और लेटेस्ट मॉडल है ये, आपको 11,000 का पड़ेगा विद गेम लोडेड, जो मार्केट में आपको 13,000 का मिल रहा है इस टाइम। और आपको अगर फैट PS2, मैंने नहीं बताया वीडियो के अंदर, मैं फैट PS2 बता दूं, फैट मॉडल मिल जाता है, ये ज्यादा डिमांड में रहता है, ये फैट PS2 है, ये फैट रहने वाला मॉडल है, फैट मॉडल है ये, आपको 5,000 में मिलेगा सिंगल कंट्रोल के साथ, 160 GB हार्ड डिस्क, जो रसीला की टक्कर देता है, जो रसीला मॉडल होता है ना उसकी उसको टक्कर देता है, टक्कर देता है पूरा। इसकी क्या प्राइस रेंज रहने वाली है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये? 5,000 रुपये। और किसी भाई को सेकंड हैंड PS5 चाहिए हमारे पास, या नए चाहिए, वो भी अवेलेबल रहते हैं हर टाइम, कभी भी आप पूछ सकते हो। और ये प्राइस रेंज क्या रहने वाली है? मॉडल के हिसाब से रहती है, कितना पुराना है। मान लीजिए 1 ईयर पुराना आपको मिल जाएगा 30 से 35 की रेंज में, डिजिटल मिल जाएगा 30,000 रुपये का, और इसी में डिस्क वाला चाहिए तो 35,000 का मिल जाएगा, ये रेट रहेंगे। बाकी और भी एसेसरी, फुल एसेसरी मेरे पास मिल जाती है PS2 से लेके PS5 तक। और ये 360 है, ये जो फैट मॉडल है जेल ब्रेक में, ये 7,000 का मिलेगा, 500 GB विद गेम लोड, 60 से 65 गेम डाल के। ये एक्सबॉक्स कौन सा रहने वाला है अपना? ये फैट मॉडल है, फैट मॉडल ये भी काफी डिमांड में रहता है लोगों को, जिनका कम बजट है और GTA 5 खेलनी है तो बहुत बेस्ट है ये। तो इसकी क्या प्राइस रेंज रहने वाली है? 7,000 रुपये। 7,000 रुपये? 7,000 रुपये, 65 गेम डाल के। अब बात कर लेते हैं अपने PlayStation 4 के डिस्क की, इसके क्या प्राइस रेंज रहने वाली है? डिस्क मेरे पास भैया आती रहती है, और अलग अलग रेट की डिस्क होती है, जैसे लास्ट पर आपको 500 रुपये मिल जाएगी यूज ये होती है डिस्क, और ये हॉगवर्ड लेगेसी है ये 900 रुपये मिल जाएगी, ये गॉड ऑफ वार है जैसे 600 रुपये मिल जाएगी आपको। ऐसे मेरे पास बहुत सारी सीढ़ियाँ रखी हुई हैं, ये मिल जाए आती रहती हैं मेरे पास, और
अगर किसी को डिमांड पे चाहिए तो मैं अरेंज भी कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग प्राइस क्या हो जाती है? स्टार्टिंग प्राइस तो भैया अगर आप सस्ते वाले लो फीफा वगैरह 200 रुपये से स्टार्ट हो जाती है PS4 की, 200 रुपये से 2000 तक मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगर जैसे किसी के पास डिस्क पड़ी हो अपनी ओल्ड, वो एक्सचेंज करवा सकते हैं आपसे? एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक्सचेंज की बात आई है तो मैं आपको एक और बात बता दूं, प्ले स्टेशन से 2 से लेकर आप 3 से 4, 5, 4 से 5 कोई सा भी प्ले स्टेशन एक्सचेंज कर सकते हो मुझसे। 2 है किसी के पास, भाई के पास, तो 3 लेना तो आपको चाहता है सेल कर सकता है? मेरे को सेल कर दे, मैं एक्सचेंज में उसके पैसे लेस कर दूंगा और बेस्ट लेस करूंगा, बेस्ट प्राइस मार्केट में आप कहीं भी पता कर लो, उससे महंगा ही दूंगा आपका, 200-300 रुपये ऊपर ही दूंगा मार्केट से। तो एक्सचेंज का भी ऑफर है अपने पास, कभी भी कोई सा भी पीस आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो भैया आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहने वाला है? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहने वाला है आपको 9654574621, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और मेरा एड्रेस है ओल्ड लाजपत मार्केट है, यहाँ पे शॉप नंबर 743 है, सेकंड फ्लोर, और ये पड़ेगा आपका लाल किला मेट्रो 1 नंबर गेट के पास में। अगर किसी को ऑनलाइन ऑर्डर करना हो तो वो होता है आपके पास? मेरे पास ऑनलाइन ऑर्डर करना हो जाता है, बट सर भैया पेमेंट पहले देनी होती है, आप मतलब पेड होता है? पेड होता है सारा, लेकिन जो बंदे करते हैं ना फ्रॉड गिरे, वो मेरे पास एक परसेंट का ऑप्शन नहीं है। मेरे और चैनलों पर भी वीडियो डली हुई है, वहाँ भी किसी ने भी आज तक ऐसी कमेंट नहीं आई है कि मैंने किसी के पैसे डलवा के उसका प्रोडक्ट नहीं भेजा हो। तो यही थी आज की वीडियो, जितना भी था प्ले स्टेशन का स्टॉक मैंने आपको दिखाई दिया भैया के पास। तो मिलते हैं फिर ऐसी किसी बढ़िया वीडियो में।